सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज हम फाइनली आए एक ऐसे रेस्टोरेंट के अंदर, एक ऐसे मॉल के अंदर, जिसके अंदर से मैंने ना काफ़ी टाइम से मैं सोचा था कि मैं इसके अंदर, हम इसके अंदर जाएंगे। तो फाइनली हम आज और सर्कुलेशन में आए हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। ब्लॉग कैसा लगे प्लीज़ लाइक शेयर करें, ज़रूर बताना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा वहाँ का फ्रंट, और हम बहुत टाइम से सोचे थे कि यहाँ जाएंगे। फुवारा था, बहुत अच्छा है, हमने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करी, वीडियो बनाया, और फिर अंदर गए तो सिक्योरिटी गार्ड हमें ऐसे देख रहा था। फिर हम एकदम ओपन हो के गए कि हाँ उखाड़ो, क्या उखाड़ लगे हमारा। और ऊपर जाने के बाद फिर हमने करी शॉपिंग। शॉपिंग करते वक्त वहाँ पे आप मानोगे नहीं, सच में कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की चीज़ थी ना, वो सेल में सिर्फ 250-300, 500, 1000 ऐसे की मिल रही थी वहाँ पर। फिर हमने ये कप देखा था, ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी का था। गिलास थे, कप थे, काफ़ी सारी चीज़ थे। ये थे पानी भरने वाला थर्मस था, ये था। तो मैंने इसको चेक करा देख के कि कहीं सेल में बेच रहे हैं, क्वालिटी तो नहीं ख़राब है। तो क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा औसम थी। कपड़े भी ऐसे थे यहाँ पे कि अगर आप एक बार ले लोगे तो 5-6 साल कहीं नहीं जाने वाले। और प्राइस, हमने इनके टैग देखे थे, टैग पता है कितने कितने के थे, 4,000, 5,000। फिर ऊपर से जब हमने जो नज़ारा देखा ना, जिस तरीके का, हम तो खुश हो गए। लाइफ में हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसा इन्जॉय किया था और फील किया था। तो मैंने बोला क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए। फिर वहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाई और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। सुरकेश ने काफ़ी देखने के बाद, हमारे बजट में सिर्फ 2-3 कपड़े आए तो हमने ले लिया। एक सुरकेश ने चादर ली और एक कपड़ा लिया, एक फ़्रॉक लिया, तो एक चुन्नी से ली। और वहाँ पे है ना, फिर जैसे हम गए तो वहाँ पे टेबल पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे टेबल, ये छोटे छोटे टेबल थे। तो वहाँ पे कम से कम 500 रुपये के मिल रहे थे और वही 4,000-5,000 रुपये के थे। फिर नीचे आके हमने, रेस्टोरेंट था वहाँ पे, कुछ पिज़्ज़ा ऑर्डर करके हमने खाया। फिर अंदर गए, यहाँ पे A to Z इतने सारे गेम थे प्ले करने वाले कि मैं सोच के हैरान था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था नज़ारा। और फिर वहाँ पे खड़ा होके हमने इनसे पूछा, इन पर काफ़ी सारे लोग हैं ना, गाड़ी कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो हमने उससे पूछा कितने रुपये का है। तो उसने, भैया ने बोला आपके बजट से बाहर है। तो हम वहाँ से आगे बाहर आ गए। फिर बाहर आते आते फिर फाइनली हमारा शॉपिंग ख़त्म हुआ। हमने 2-2.5 घंटे के बाद हमने सिर्फ 3 चीज़ें ली। एक चादर ली सुरके, इसने बहुत अच्छे चादर ली जिसमें ठंडी नहीं लगेगी, ठंडी आने वाली है। और हमने काफ़ी सारा सामान लिया। सो फाइनली हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट A to Z सारे करके गाइस हमें ज़रूर बताना, और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।